हेलो स्टूडेंट, अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में दैट इज सॉल्यूशन इन कॉलिगेटिव में डिस्कस कर लिया है कि क्या होता है सॉल्यूशन, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन एंड वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और इसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि कुछ टर्म्स, कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो वॉल्यूम रिलेटेड होते हैं और कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो मास रिलेटेड होते हैं। किसी भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कौन कौन से कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स यूज किए जाते हैं किसी भी सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, ये सब हम लोगों ने अभी तक सीख लिया है। अब इस चैप्टर में आगे दिया गया है हमारे को दैट इज नथिंग बट अ लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में। अब ये लिक्विड सॉल्यूशन होता क्या है, कुछ प्रॉपर्टी होती है लिक्विड सॉल्यूशन की, वो प्रॉपर्टी क्या है ना। तो उसमें से एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है वेपर प्रेशर। क्या? वेपर प्रेशर। अब ये वेपर प्रेशर का मीनिंग क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय वेपर प्रेशर, कौन से फैक्टर है जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं, एंड हाउ टू कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और एनी कंपोनेंट, ये सब के क्वेश्चन का आंसर लेट अस आओ डिस्कस किया जाता है कि वेपर प्रेशर क्या होता है और इन क्वेश्चन के आंसर को हम डिटरमाइन करें। तो आते हैं हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन। पहला लिक्विड सॉल्यूशन, जैसे मैंने आपको बताया था, क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट या टाइप ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन व्हाट कंपोनेंट, फिजिकल स्टेट ऑफ कंपोनेंट दैट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। और उसमें मैंने आपको क्लासिफाई किया था तीन टाइप में, कौन सा, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैस सॉल्यूशन। और मैंने आपको बताया था कि ये जो लिक्विड सॉल्यूशन होता है, लिक्विड सॉल्यूशन बोलते ही बरोबर आपके माइंड में आना चाहिए सॉल्वेंट मस्ट बी लिक्विड। क्या? सॉल्वेंट जो होगा वो मेरा क्या होगा, लिक्विड। तो सॉल्वेंट इज वॉट, लिक्विड। दिस सॉल्यूट जो होगा ना, सॉल्यूट यू कैन वेरी, यू कैन टेक आइदर सॉलिड ले सकते हो और यू कैन टेक लिक्विड सॉल्यूट और यू कैन टेक ऑल्सो गैस सॉल्यूट। तो सॉल्यूट को मैं वेरी कर सकता हूँ, दैट इज वॉट, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। क्या? सॉलिड लिक्विड एंड गैस। यदि मैं सॉलिड इन लिक्विड करूँ तो एक मिक्सचर बनेगा, लिक्विड इन लिक्विड करूँ तो एक बनेगा, एंड गैस इन लिक्विड कर दूँ तो थर्ड सॉल्यूशन आई विल गेट। तो ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया है टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो लेट अस सी, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम क्या है, वेपर प्रेशर। क्या है? वेपर प्रेशर। तो आओ डिस्कस करते हैं ये वेपर प्रेशर क्या होता है और कैसे इसको डिटरमाइन करते हैं और कौन से फैक्टर जो है इसको अफेक्ट करते हैं। तो वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। अब इस वेपर प्रेशर को समझने के लिए मैंने क्या लिया है, यहाँ एक ओपन कंटेनर लिया हुआ है। लेट अस कंसीडर अ वन ओपन कंटेनर एंड इन दैट आई हैव टेकन अ लिक्विड। कौन सा लिक्विड लिया है? ओलाटाइल लिक्विड आई हैव टेकन। दिस इज माय व्हाट, ओलाटाइल लिक्विड्स, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, ओलाटाइल लिक्विड। क्या है ये? मेरा ओलाटाइल लिक्विड। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज होता होगा, सर ये ओलाटाइल लिक्विड क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय ओलाटाइल लिक्विड, अ लिक्विड हुज वेपर कैन बी फॉर्म्ड, अ लिक्विड हुज वेपर इज फॉर्म्ड is called as volatile liquid। ऐसा लिक्विड जिसका हम लोग वेपर बना सके, ऐसे लिक्विड जिनके हम लोग वेपर बना सके, ऐसे लिक्विड को हम बोलते हैं volatile liquid। क्या बोलते हैं? ये volatile liquid। और ये जो कंटेनर है ना, ये कंटेनर जो है ये ओपन कंटेनर है। क्या है? ओपन कंटेनर। अब
ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल होता है ना, लिक्विड मॉलिक्यूल के अंदर दो तरह के फोर्सेस एक्ट करते हैं। एक तो होता है काइनेटिक एनर्जी और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ये जो मॉलिक्यूल होते हैं, लिक्विड मॉलिक्यूल होते हैं, ये बल्क के अंदर रेंडमली मूव करते रहते हैं। ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी जो लिक्विड मॉलिक्यूल बल्क सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, दे आर रेंडमली मूविंग। एंड दूसरा जो होता है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये दो चीजें, दो फोर्सेस लिक्विड मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होती है। एक तो होता है काइनेटिक एनर्जी, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है इन द बल्क सॉल्यूशन, दे आर मूविंग इन रैंडम मैनर। एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, एक लिक्विड मॉलिक्यूल को दूसरे लिक्विड मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करके रखता है। मतलब देर इज अ एसोसिएशन, देर इज अ बाइंडनेस। दिस बाइंडनेस इज डन ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब क्या हो गया, ये मेरा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट है मॉलिक्यूल के अंदर, तो ये कुछ लिक्विड मॉलिक्यूल जो सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है इनमें भी तो यही होगा, दोनों चीजें होंगी। कौन होंगी, एक तो काइनेटिक एनर्जी होगा, दूसरा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। बट सपोज ये जो सरफेस पे लिक्विड मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इनकी काइनेटिक एनर्जी इज मोर देन क्या करेंगे, ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल है ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके ये किस में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है, गैस में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है। मतलब क्या, ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, कुछ लिक्विड मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में जो प्रेजेंट है उसको वो ब्रेक कर देते हैं, एंड दे स्टार्ट गेटिंग कन्वर्टेड इंटू अ वेपर फॉर्म, दैट इज वॉट गैस। जैसे यहां से एक मॉलिक्यूल स्केप इन द फॉर्म ऑफ वॉट गैस, बल्क में से दूसरा लिक्विड मॉलिक्यूल इसके प्लेस को लेता है, ये तो उसका भी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, देन वो भी क्या करेगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करेगा एंड गेट कन्वर्टेड इनटू अ गैस फॉर्म। मतलब माय लिक्विड मॉलिक्यूल स्टार्ट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अ गैस, इसी प्रोसेस का नाम है इवापोरेशन। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इवापोरेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, इवापोरेशन। तो व्हाट इज इवापोरेशन, इवापोरेशन इज अ प्रोसेस इन विच, इट इज अ प्रोसेस इन विच, इट इज अ प्रोसेस इन विच लिक्विड मॉलिक्यूल को लिक्विड मॉलिक्यूल स्टार्ट कन्वर्टिंग इंटू गैसियस मॉलिक्यूल बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज वॉट, इवापोरेशन। तो एक बात आपको याद रखना है, मैंने इस ओपन कंटेनर को ना हीट सप्लाई किया है। इसका मतलब क्या, ये जो मॉलिक्यूल हो रहा है, ये जो इवापोरेशन हो रहा है, ये विदाउट हीटिंग हो रहा है। मतलब ड्यू टू द काइनेटिक ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, एंड जिसकी वजह से योर लिक्विड मॉलिक्यूल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू अ गैस।
दैट मीन्स वॉट इट इज अ बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. तो याद रखना इवापोरेशन ऑलवेज अकर अ बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. अंडरस्टूड स्टूडेंट यहाँ तक राइट. तो अभी तक तो मैंने ये ओपन कंटेनर लिया, अब मैं क्या करता हूँ इसी कंटेनर को मैं क्लोज कर देता हूँ. क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ. तो ये मेरा अगेन कंटेनर है, कंटेनर को मैंने क्या किया है क्लोज कर दिया है. कंटेनर को हम लोग क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं. और इसके अंदर फिर से मैं क्या करता हूं, आई विल टेक अ वोलेटाइल लिक्विड इन इट. मैंने आपको बता दिया क्या होता है वोलेटाइल लिक्विड बच्चा लोग, दैट इज व्हाट अ लिक्विड हुज वेपर कैन बी फॉर्म्ड. मतलब ऐसा लिक्विड जिनके हम लोग वेपर्स बना सकते हैं, ऐसे लिक्विड को हम लोग क्या बोलते हैं वोलेटाइल लिक्विड. क्या बोलते हैं वोलेटाइल. तो मैंने इसमें भी क्या लिया है वोलेटाइल लिक्विड. दिस इज माय व्हाट वोलेटाइल लिक्विड. आई हैव टेकन अ वोलेटाइल लिक्विड. अब मैं क्या करूंगा, ये जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स है, कौन से मॉलिक्यूल, वोलेटाइल लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है, इनकी काइनेटिक एनर्जी अज्यूम कर लेते, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ग्रेटर है. ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से ये क्या करेंगे, ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल वोलेटाइल लिक्विड के जो मॉलिक्यूल है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ईजिली ब्रेक डाउन कर देंगे एंड दे स्टार्ट फॉर्मिंग अ वेपर. ये ऐसा वेपर बनाना चालू होगा और धीरे धीरे ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है और एक ऐसा समय आता है कि ये जो एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट था कंटेनर के अंदर वो इट इज टोटली ऑक्युपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल. किससे, गैस मॉलिक्यूल. इनिशियली जो था इस प्रोसेस का नाम क्या था, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवापोरेशन. दिस इज व्हाट इवापोरेशन अकरिंग. अब ये कंटिन्यू हो रहा है, एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि ये पूरा का पूरा स्पेस क्या होगा, ऑक्युपाई हो गया. किससे, वेपर ऑफ लिक्विड से ऑक्युपाई हो गया वेपर. अब इसमें कोई जगह नहीं है तो क्या होगा, ये जो गैस मॉलिक्यूल है आपस में स्ट्राइक करना चालू कर देंगे. जैसे ही आपस में स्ट्राइक करेंगे, एक दूसरा दे स्ट्राइक टू द वॉल ऑफ कंटेनर, वॉल ऑफ कंटेनर. तो ये जो गैस मॉलिक्यूल है दे स्ट्राइक अमॉन्ग देमसेल्फ एज वेल एज दे आर स्ट्राइकिंग टू द वॉल ऑफ कंटेनर एंड ड्यू टू दिस दे लूजेस देयर एनर्जी एंड स्टार्ट कंडेंसिंग. मतलब ये फिर से गैस से किस में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है, लिक्विड में. तो ये जो प्रोसेस है गैस से लिक्विड में कन्वर्जन, इसी प्रोसेस का नाम क्या है, कंडेंसेशन. तो इसको, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन, कंडेंसेशन. इस प्रोसेस का नाम क्या है, कंडेंसेशन. इनिशियली रेट ऑफ इवापोरेशन ज्यादा होगा, इनिशियली रेट ऑफ कंडेंसेशन कम होगा. धीरे धीरे ये प्रोसेस चलता जाएगा और एक समय ऐसा आता है मुझे रेट ऑफ इवापोरेशन जो है, मुझे क्या मिलता है, रेट ऑफ इवापोरेशन, रेट ऑफ इवापोरेशन. एक पॉइंट ऐसा मुझे मिलता है जहां रेट ऑफ इवापोरेशन इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ कंडेंसेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन. आई विल रीच अ पॉइंट और गेट अ पॉइंट वेयर रेट ऑफ इवापोरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन. मतलब जितना ये वेपर बन रहा है उतना ही वेपर कंडेंस हो रहा है. तो मुझे एक बात बताओ, जो अमाउंट ऑफ वेपर इस प्रोसेस, इस एम्प्टी स्पेस के अंदर जो होगा वो क्या होगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा. यस, क्योंकि कितना, जितना मेरा इवापोरेट हुआ उतना ही कंडेंस हुआ. तो जो पहले से गैस मॉलिक्यूल प्रेजेंट उनका अमाउंट क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट. और कॉन्स्टेंट ये जो वेपर है गैस मॉलिक्यूल की वो क्या हो जाएगी, कॉन्स्टेंट. अच्छा, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज, दिस पॉइंट इज नोन एज, पॉइंट इज नोन एज, नोन एज इक्विलिब्रियम पॉइंट. क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इक्विलिब्रियम पॉइंट.
दिस इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो मुझे बताओ, अभी मैंने आपको बोला द अमाउंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल रिमेन कॉन्स्टेंट, जब ये कॉन्स्टेंट हो गए तो ये गैस मॉलिक्यूल क्या करेंगे, अगेन स्टार्ट, ये जो गैस मॉलिक्यूल है इस लिक्विड से एक सरफेस के ऊपर ये प्रेशर अप्लाई करना चालू कर देते हैं। क्या ये जो गैस मॉलिक्यूल थे इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर एक प्रेशर अप्लाई करते हैं, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज व्हाट, वेपर प्रेशर। तो व्हाट इज वेपर प्रेशर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑफ लिक्विड, दिस इज व्हाट, वेपर ऑफ लिक्विड, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑफ लिक्विड एट लिक्विड सरफेस एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज व्हाट, वेपर प्रेशर। The pressure exerted, I write here, the pressure exerted by vapor of liquid at liquid surface, liquid surface at equilibrium point is called as क्या बोलते हैं इसको हम लोग, वेपर प्रेशर, क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑफ लिक्विड सरफेस एट इक्विलिब्रियम पॉइंट इज नोन एज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। अंडरस्टूड स्टूडेंट, तो मैंने क्या बताया अभी इसमें, ये जो गैस, जो लिक्विड मॉलिक्यूल है उसके अंदर दो फोर्सेस काम करता है, एक तो काइनेटिक एनर्जी हेल्प्स इन द रैंडम मूवमेंट के लिए यूज होता है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हेल्ड द लिक्विड मॉलिक्यूल टुगेदर। अच्छा लो, ये क्या करता है, लिक्विड मॉलिक्यूल, एक लिक्विड मॉलिक्यूल को दूसरे लिक्विड मॉलिक्यूल के साथ क्या करता है, बाइंड करके रखता है। तो इन द बल्क यदि आप देखोगे तो ये काइनेटिक एनर्जी भी प्रेजेंट रहेगा और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी रहेगा। बट जब मैं सरफेस के ऊपर जाऊंगा ना, तो सरफेस के ऊपर ना काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, एंड ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी मोर होने की वजह से ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल है ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर देते हैं, और ब्रेक करके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस वेपर में कन्वर्ट होते हैं, और ये वेपर बाहर नहीं जा सकता। इसका मतलब क्या, इस एम्प्टी स्पेस के अंदर क्या होगा, ऑक्यूपाई हो जाएगा, और ये प्रोसेस धीरे धीरे कंटिन्यू होता है। तो यहाँ अमाउंट ऑफ वेपर क्या होगा, इंक्रीज होगा, और जब अमाउंट ऑफ वेपर इंक्रीज होगा तो एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि ये जो एम्प्टी स्पेस है ये पूरा का पूरा किससे भर गया है, वेपर ऑफ मॉलिक्यूल से, गैस मॉलिक्यूल से भर गया है। अब ये गैस मॉलिक्यूल आपस में क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे और दूसरा क्या करेंगे, ये वॉल ऑफ कंटेनर को भी स्ट्राइक करेंगे। जैसे ये आपस में स्ट्राइकिंग, और ड्यू टू वॉल स्ट्राइकिंग ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर दे लूज देयर एनर्जी एंड स्टार्ट कंडेंसिंग। मतलब इन्हें से लिए रेट ऑफ कंडेंसेशन स्लो होगा, बट जैसे जैसे टाइम जाएगा, एक ऐसा सिचुएशन मुझे मिलता है कि रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या होता है, सेम होता है। रेट ऑफ इवापोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या होगा सेम, और इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसका मतलब क्या हो गया, एट दिस सिचुएशन द अमाउंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल और वेपर मॉलिक्यूल विच इज प्रेजेंट इन दिस एम्प्टी स्पेस रिमेन कॉन्स्टेंट, एंड दीज गैस मॉलिक्यूल स्टार्ट एक्सर्टिंग अ प्रेशर ऑन लिक्विड सरफेस। तो ये जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है कौन, वेपर ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम पॉइंट इज नोन एज व्हाट, वेपर प्रेशर।
क्या बोलते हैं बच्चे लोग, वेपर प्रेशर। तो दिस इज व्हाट वन कॉन्सेप्ट। तो इसमें याद रखना, वेपर प्रेशर इज ऑलवेज डिफाइंड एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, और इसमें दो प्रोसेस होता है, इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। इवापोरेशन इज अ प्रोसेस इन विच लिक्विड मॉलिक्यूल स्टार्ट कन्वर्टिंग इन टू अ गैस मॉलिक्यूल बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अंडरस्टूड स्टूडेंट? कॉपी करो, फिर हम लोग आगे देखते हैं कौन से फैक्टर है जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया वेपर प्रेशर क्या होता है, और अभी आगे देखने वाले हैं कि कौन से फैक्टर जो है वो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। तो आप सीखते हैं कि कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करेंगे। तो फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर इसमें हम लोग एक फैक्टर ले रहे। पहला, वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन व्हाट नेचर ऑफ लिक्विड। तो वन इज व्हाट माय नेचर ऑफ लिक्विड। तो एक तो मेरा जो वेपर प्रेशर होगा वो नेचर ऑफ लिक्विड के ऊपर डिपेंडेंट होता है। कैसे, आप देखते हैं, ये जो नेचर ऑफ लिक्विड होता है ना, लिक्विड हमारे पास दो तरह के होंगे, एक तो ओलाटाइल लिक्विड होगा और दूसरा क्या होगा, नॉन ओलाटाइल लिक्विड। तो नॉन ओलाटाइल लिक्विड और दूसरा होता है ओलाटाइल लिक्विड। जैसे मैंने आपको बोला ओलाटाइल लिक्विड, वेपर प्रेशर किस लिक्विड के लिए अप्लीकेबल होगा, ओलाटाइल के नॉन ओलाटाइल। तो जैसे नाम से पता चला लिक्विड किस में कन्वर्ट होना चाहिए, वेपर में, है ना। तो जिन लिक्विड का वेपर फॉर्म होगा उन्हीं लिक्विड का मैं क्या डिटरमाइन कर सकता हूँ, वेपर प्रेशर। तो नॉन ओलाटाइल लिक्विड एंड ओलाटाइल लिक्विड। अब ये ओलाटाइल लिक्विड क्या होता है, लिक्विड हुज वेपर इज फॉर्म्ड। ऐसे लिक्विड जिनका मैं वेपर बना सकता हूं ऐसे लिक्विड को हम बोलते हैं ओलाटाइल लिक्विड, और ऐसे लिक्विड जिनका वेपर नहीं बनेगा उनको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन ओलाटाइल लिक्विड। तो नॉन ओलाटाइल लिक्विड मतलब क्या, अ लिक्विड हुज वेपर कैन नॉट formed is called as non-volatile liquid, and this non-volatile liquid do not contribute in the vapor pressure. So do not affect the vapor pressure, since it is non-volatile। मतलब ये नॉन ओलाटाइल होने की वजह से इसका वेपर तो बनेगा ही नहीं, जब वेपर नहीं बनेगा तो क्या ये वेपर प्रेशर के ऊपर अफेक्ट कर सकता है, नहीं। अब आते हैं हम लोग ओलाटाइल लिक्विड्स। ओलाटाइल लिक्विड्स में दो तरह के लिक्विड्स होंगे, एक तो लिक्विड होगा जिस जो मोर ओलाटाइल होगा, एंड द वन विच इज व्हाट, लेस ओलाटाइल। तो अ लिक्विड हुज वेपर इज फॉर्म्ड इज नोन एज ओलाटाइल लिक्विड। अब इस ओलाटाइल लिक्विड को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, एक होता है लेस ओलाटाइल लिक्विड और दूसरा होता है मोर ओलाटाइल लिक्विड। तो यहां लिखते हैं हम लोग मोर ओलाटाइल
more volatile liquid, and this is what? Less volatile liquid, less volatile liquid. अब देखो नाम से ही पता चल रहा है, यदि आप इसको अच्छे से रीड करें तो आपको इसी से क्लियर हो जाएगा कि इसके अंदर किस तरह के फोर्सेस प्रेजेंट हैं। अब ये लेस वोलेटाइल है, लेस वोलेटाइल का मतलब क्या होगा? सपोज ये एक लिक्विड मॉलिक्यूल है, ये दूसरा लिक्विड मॉलिक्यूल है, और दोनों के बीच में जो इंटरैक्टिव फोर्स है, फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है वो क्या है? ग्रेटर है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? स्ट्रांग है। यदि ये स्ट्रांग होगा तो क्या ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जल्दी ब्रेक कर पाएंगे? नहीं। जब जल्दी ब्रेक नहीं कर पाएंगे तो इनके द्वारा जो वेपर बनेगा वो क्या होगा? कम होगा कि ज़्यादा होगा? कम। तो लेस वोलेटाइल लिक्विड इज नथिंग बट दे हैव strong intermolecular force of attraction. They have a strong intermolecular force of attraction. अब strong intermolecular force of attraction होने के वजह से इनका जो boiling point होगा वो क्या होगा? Higher होगा, and due to higher boiling point less vapor is formed. तो hence they possess higher boiling point and therefore less vapor is formed. Hence vapor pressure is less. Hence vapor pressure is what? Less. मतलब मैं एक बोल सकता हूँ वोलेटाइल लिक्विड में एक लेस वोलेटाइल लिक्विड है। लेस वोलेटाइल लिक्विड मतलब क्या? लेस वोलेटाइल मतलब उनका वेपर जल्दी नहीं बन सकता। इसका मतलब क्या, रीजन क्या है कि इन मॉलिक्यूल के अंदर जो इंटरैक्टिव फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या है? स्ट्रांग है। अब ये स्ट्रांग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से यदि आप इसको गैस में कन्वर्ट करना है तो आपको टेम्परेचर एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा, और एनर्जी ज़्यादा देना मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा, ग्रेटर, हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा, और हायर बॉइलिंग पॉइंट रिप्रेजेंट्स व्हाट? लेस वेपर इज फॉर्म्ड। हेंस वेपर प्रेशर जो होगा वो क्या होगा? लेस। वेपर प्रेशर क्या होगा लेस। अब इसमें हम लोग आते हैं, तो स्ट्रांग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हैंस पजेस हायर बॉइलिंग पॉइंट, एंड ड्यू टू हायर बॉइलिंग पॉइंट लेसर वेपर इज फॉर्म, लेस वेपर इज फॉर्म, दैट्स वाई द वेपर प्रेशर इज लेस। अब यहाँ आते हैं हम लोग मोर वोलेटाइल लिक्विड की तरफ। अब मोर वोलेटाइल लिक्विड मतलब जल्दी इवापोरेट होगा। क्या होगा? जल्दी इवापोरेट होगा। अब इवापोरेट होगा मतलब दे पजेस व्हाट? वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब सपोज ये लिक्विड मॉलिक्यूल है दोनों, और दोनों एक अट्रैक्टिव फोर्स से बंधे हुए हैं। अब ये अट्रैक्टिव फोर्स ये वीक है, तो थोड़ा भी अमाउंट ऑफ एनर्जी मिला तो ये क्या होगा? जल्दी ब्रेक डाउन हो जाएंगे, जल्दी सेपरेट हो जाएंगे, जिसके वजह से इनके द्वारा जो वेपर बनेगा वो क्या होगा? ग्रेटर होगा, और वेपर ज़्यादा बनने की वजह से वेपर प्रेशर क्या होगा? ग्रेटर। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ दीज मोर वोलेटाइल लिक्विड पजेस they have weak intermolecular force of attraction, hence क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट इज लेस। अब जब बॉइलिंग पॉइंट लेस है, देयरफॉर मोर वेपर इज फॉर्म्ड, दस वेपर प्रेशर इज मोर।
thus vapor pressure is more. तो वो लेस वोलेटाइल में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, बॉइलिंग पॉइंट इज हाइयर, लेस वेपर इज फॉर्म, हेंस वेपर प्रेशर इज लेस. इन मोर वोलेटाइल लिक्विड्स दैट इज व्हाट दे पजेस अ वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हेंस बॉइलिंग पॉइंट इज लेस. बॉइलिंग पॉइंट इज लेस तो मोर वेपर इज फॉर्म, हेंस वेपर प्रेशर इज व्हाट मोर. तो इससे मुझे एक कंक्लूजन आता है, क्या बॉइलिंग पॉइंट यदि इंक्रीज होता है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज. या याद रखना है. तो दिस इज माय व्हाट वन कंसेप्ट, वन फैक्टर विच अफेक्ट्स द वेपर प्रेशर एंड दैट इज कॉल्ड एज नेचर ऑफ लिक्विड. नेचर ऑफ लिक्विड बोलते बरोबर आपके दिमाग में आना चाहिए क्या, वोलेटाइल लिक्विड एंड नॉन वोलेटाइल लिक्विड. नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स वो होते हैं जिनके वेपर हम बना नहीं सकते. तो लिक्विड हुज वेपर कैन नॉट फॉर्म इज कॉल्ड एज नॉन वोलेटाइल लिक्विड. नॉन वोलेटाइल लिक्विड वेपर बना ही नहीं सकते, तो क्या वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूट करेंगे, नहीं. तो डू नॉट अफेक्ट द वेपर प्रेशर सिंस इट इज नॉन वोलेटाइल. बट इन केस ऑफ वोलेटाइल, अ लिक्विड हुज वेपर इज फॉर्म्ड इज नोन एज वोलेटाइल लिक्विड. अब वोलेटाइल में एक लेस वोलेटाइल होगा और एक क्या होगा, मोर वोलेटाइल. लेस वोलेटाइल का मतलब क्या, दे पजेस स्ट्रॉन्ग इंटर, जैसे ये एक लिक्विड मॉलिक्यूल, ये लिक्विड, दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटर मॉल, अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज्यादा है, जल्दी साथ नहीं छोड़ रहे. मतलब यू नीड अ मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी टू सेपरेट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, राइट. तो इन लेस वोलेटाइल लिक्विड दे पजेस ऑलवेज स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइयर इज द बॉइलिंग पॉइंट, एंड ड्यू टू हाइयर इज द बॉइलिंग पॉइंट वेपर इज वॉट लेस, लेस वेपर इज फॉर्म, दस वेपर प्रेशर इज वॉट लेस. In case of what? More volatile liquid. In case of more volatile liquid, they possess what? Weak intermolecular force of attraction. Hence, boiling point क्या हो जाएगा, कम. और boiling point कम होगा तो vapor ज़्यादा से ज़्यादा बनने वाले हैं, और ज़्यादा vapor बनेगा तो vapor pressure भी क्या होगा, increase. तो from this, what I conclude? Boiling point increases, तो vapor pressure क्या होगा, decrease. Understood, student? So this is what one factor which affects the vapor pressure. Copy करो और फिर आगे हम लोग देखते हैं. Second factor which affects the vapor pressure is what? Temperature.